वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज आप लोगों के साथ में बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आप सब लोगों का मोस्ट डिमांडिंग एंड फेवरेट प्रोडक्ट दिखा दूं? चलो दिखा देते हैं, तो ज्यादा भी दिखा नहीं दवाई। एंड दिस वन इज 10 रुपए का ओके वॉश, 10 रुपीज का ओके वॉश, जो आपको बहुत ही क्लीन एंड फ्रेश कपड़े देगा, डीप क्लीन करेगा, इजिली डिजोल्व हो जाता है एंड यस 100% बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल मीन्स इट इज हेल्दी फॉर योर स्किन, फॉर योर नेचर एंड फॉर योर क्लोथ। मार्केट में पहली बात तो 10 रुपए में बायोडिग्रेबल डिटर्जेंट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से ये पैकेट में अवेलेबल हो चुका है आपके नियर बाय सेंटर्स पर, और लीजिए और मार्केट को अपना बना लीजिए। द सेकेंड वन इज कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो अभी अभी नए लॉन्च हुए हैं, जैसे हमारे पास तुलसी की और फिनल की ड्रॉप थी, आप सब लोगों को पता है। तो हमारे पास ऐसे ड्रॉप थी, तुलसी ड्रॉप एंड फिनल ड्रॉप। ये लगभग लगभग इसको अगर मैं बोलूं तो तुलसी 200 से ज्यादा बीमारियों पे लाभदायक होती है आयुर्वेदा के अनुसार। फ्लू, स्वाइन फ्लू, जोड़ों का दर्द, मोटापे की वजह से होने वाले ब्लड प्रेशर, गठिया, पेशाब में जलन, शुगर, एलर्जी, हेपेटाइटिस, बवासीर, पेट का अल्सर, थकान में तनाव, उल्टी, दस्त, ब्रेन हैमरेज, फेफड़े का सूजन, वीर्य की कमी, भूख ना लगना, हिचकी की बीमारी, पेट दर्द, पेट के संक्रमण इत्यादि में तुलसी रामबाण औषधि का काम करती है। तो ये तुलसी ड्रॉप थी हमारे पास ऑलरेडी, जिसकी एमआरपी जो है लगभग 190 रुपीज के आसपास है। और ये 5 तरीके के तुलसी का अर्क है, जैसे राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, राइट। एक ड्रॉप, एक गिलास पानी में आप इसे डालकर पियेंगे। साथ में हमारे पास ड्रॉप में था फिनल ड्रॉप। फिनल ड्रॉप की मैं बात करूं तो बीट ब्रेथ यानी गंदी स्मेल आती है मुंह से, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वाटर को रिटेन करता है, ओबिसिटी कंट्रोल करता है, रिड्यूस भी करता है, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है। मैं कहती हूँ जब भी आप बाहर अगर आप खरीद कर बॉटल लेते हैं ना, वो प्लास्टिक वाला बिस्लरी और इस टाइप की जो बॉटल लेते हैं, मैं कहूंगी आप एक ड्रॉप सौंफ का और एक ड्रॉप तुलसी का जरूर डाल लो, बिकॉज वो जो बॉटल वाला पानी है वो कैंसरजोनिक हो सकता है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल भी उसको खाली ना पिए, उसमें तुलसी या फिनल ड्रॉप जरूर डाल लें। ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को भी रिलीव करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी यानी सांस संबंधी अगर बीमारी है तो ये आपको फिनल ड्रॉप बहुत फायदा देगा। कार्डिक प्रॉब्लम होती है जो दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और प्रिवेंट करता है। इसके अलावा आपकी आंखों को आई हेल्थ अच्छी देगा, साथ में मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अगेन ये 200 रुपए का, और क्या है ये सौंफ का अर्क। तो हमारे पास ड्रॉप फॉर्म में बहुत ही ज्यादा सेल होने वाले ये 2 प्रोडक्ट थे ऑलरेडी। इन्हीं 2 प्रोडक्ट में और 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। द वन इज लौंग का ड्रॉप, जो इस तरीके के ड्रॉप में अवेलेबल है, ध्यान देना, इट्स अमेजिंग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, एज अ माउथ फ्रेशनर ये बहुत अच्छा होगा, एंटी इंफ्लामेटरी है, राइट, यानी सूजन वुजन जो हो गई है उसे हटा देगा और स्ट्रेस रिलीज करेगा। अगेन मैं अगर बात करूं तो ये 30 ml में है हमारे पास, जबकि ये दोनों जो है वो 20-25 ml के थे, ये 30 ml में है और इसकी एमआरपी है 210 रुपए। माई डियर फ्रेंड, उसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हल्दी केसर ड्रॉप है। हल्दी केसर ड्रॉप ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ध्यान देना, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और साथ में हाई एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर अवेलेबल है। हाई एंटीऑक्सीडेंट है तो आप क्या बचेंगे, कोरोना जैसे वायरस से बचेंगे, सर्दी जुखाम जैसी बीमारियों से बचेंगे। और अगेन ये 30 ml में अवेलेबल है, 225 रुपए इसकी एमआरपी है। और अगेन इसका मैं अगर पैकिंग बताऊं तो ये आपका आउटर लुक है इसका, जो बॉक्स के अंदर जिसमें पैक होके आएगा। इसके अलावा ये इस तरीके से इस पैकिंग में अवेलेबल है। ये हमारे जो डीपीयूसी है, हमारी जो डायमंड गैलेक्सी प्लाजा, वहां पर ये अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा जेंट्स सभी खुश हो जाएं, आप सभी लोगों के लिए बियर्ड ऑयल जो 100% नेचुरल है, ध्यान देना 100% नेचुरल है, ये ऑलिव फ्रूट, ब्लैक शीट और रोजमरी इसका बना हुआ है आप सब लोगों के लिए। ये बहुत जल्दी आप लोगों के डीपीयूसी आरपीयूसी पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने जेंट्स जो आज की डेट में एक नया फैशन चल रहा है दाढ़ी वाला, तो यस आप लोग खुश हो जाएं, आपके फैशन को ध्यान में रखते हुए ये बियर्ड ऑयल आप लोगों के पास आ चुका है। अगेन इसकी एमआरपी है 270 रुपीज। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, लिप बाम जो स्ट्रॉबेरी एंड वनीला फ्लेवर में इस समय हमारे डीपीयूसी में अवेलेबल है।
अगर मैं बात करूं इस लिप बाम की, तो ये आपकी ग्लोजी और साइन लुक देगा आपके लिप्स को, इसके अलावा सॉफ्ट रखेगा, सपल रखेगा और आपकी लिप पे बाम की तरह काम करेगा। फॉर्मुलेटेड है बहुत सारी बेनिफिशियल ऑयल से, ध्यान देना। और अगेन इट इज अ नेचुरल, 100% नेचुरल एंड हेल्दी फॉर योर स्किन। और ओके लाइफ केयर ने इसे 10 ग्राम के वेट पे अवेलेबल कराया है। इस तरीके से ये इस पैक में आता है। ब्यूटीफुल, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा देख के, राइट? तो ये बेटर यू की हमारी रेंज में आता है। डोंट स्टॉप इट गुड, फाइंड अ बेटर यू, ओके? और स्ट्रॉबेरी का भी है, इसमें वनीला है, दो फ्लेवर है। तो आप लोग लिप बाम लें और अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करें। द नेक्स्ट वन इज फीमेल्स के लिए सभी हेयर रिमूवल क्रीम। अगेन पैकिंग देखेंगे तो आप, इट्स अल्टीमेट पैकिंग। इस तरीके से बॉक्स पैकिंग में आ रहा है ये, राइट? और इसके अंदर ऐसे ये आप ओपन करेंगे, इसका वेट है 75 ग्राम। और अगेन मैं बात कर रही हूँ, दिस वन इज पैटा अप्रूव्ड, पैटा अप्रूव्ड, ध्यान देना। 100% सेटिस्फाई होंगे आप इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। आपका क्विकली एंड इजीली इफेक्टिव है, इनरिच्ड विद सिया बटर एंड विटामिन ई है, यानी स्किन को सॉफ्टर भी करेगा। तो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट और अप्रूव्ड है। अगेन हमारे बेटर यू का प्रोडक्ट है ये, तो आप सब लोग खुश हो जाएं। महिलाएं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुश होंगी। एंड प्राउडली से मेड इन इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है, मेड इन इंडिया। तो हेयर रिमूवल क्रीम इनरिच विद सिया बटर एंड विटामिन ई, तो यानी स्किन के लिए बहुत हेल्दी और बेस्ट होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसे भी आप जल्दी से परचेज कर सकते हैं। दिस इज सलून प्रूवन, ध्यान देना, सलून प्रूवन। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग जेल है, हेयर को थोड़ा स्टाइल में करते हैं ना वॉइस, तो ये आप लोग खुश होने वाले हो। तो नॉन स्टिकी है और सलून प्रूवन है आपका हेयर जेल, नेचुरल हेयर जेल। अगेन दिस वन इज पेटा अप्रूव्ड, ध्यान देना, ये भी पेटा अप्रूव्ड है और प्राउडली से मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो जेंट्स आप खुश हो जाएं, आप लोगों के लिए इतना बेस्ट और बेहतरीन प्रोडक्ट आया है जो आपके स्टाइल को, आपके लुक को और इनहेंस करने वाला है, अगर आप हेयर्स को अलग अलग स्टाइल में रखना चाहते हैं तो। ओके, तो ये प्रोडक्ट भी हम कंप्लीट कर चुके। अब आ जाते हैं हम लोगों की हनी, ध्यान देना। अब मैं जिस हनी की बात करने वाली हूँ, ये हनी अपने आप में, प्रोडक्ट का नाम है हाई हनी। तो ये हनी पहली बात तो अपने आप में हनी बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट देता है, बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इंडियंस हैं एंड वी नो वेरी वेल कि बीइंग अ इंडियन, हनी रोज सुबह खाना, गुनगुने पानी में लेना हम लोग बहुत पसंद करते हैं। ओके, अब इस हनी में जो चीज मिली है, सिर्फ सिंगल इस चीज को मैंने 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए में काम किया हुआ है इसके ऊपर। के एस एम 66 इनरिच्ड, ध्यान देना, के एस एम 66 इनरिच्ड क्या है ये? के एस एम 66 वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा, ये वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, फीमेल की गायनो प्रॉब्लम दूर करने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए बहुत काम आता है। अश्वगंधा के फायदे आप सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस अश्वगंधा को हनी के रूप में दे देना, बिकॉज इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ पर बीमार उसे बोला जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अगर कोई चार बीमारी लेकर चल रहा है तो हम उसे स्वस्थ बोलते हैं, गॉट माय पॉइंट? और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ मानता है अपने आप को, तो वो गोलियां खाना पसंद नहीं करता। मतलब जैसे ही उसको इस तरीके के प्रोडक्ट दिखाओ तो टैबलेट, अच्छा मैं ना अपने डॉक्टर से पूछूंगी, मैं ना अपने ना इनसे पूछूंगी, मैं ना उसे, अरे बाप रे। गोलगप्पे खाने के लिए यहाँ पे कोई किसी से नहीं पूछता, डोमिनोज से पिज्जा खाने के लिए कोई किसी से नहीं पूछता, मैकडी के बर्गर खाने के लिए कोई किसी से नहीं पूछता, सॉरी टू से, जिस चीज के लिए डॉक्टर आपको मना करते हैं, चाय पीने के लिए किसी से नहीं पूछते, जबकि बोलते हैं चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, कम पिया करो, यहाँ डॉक्टर से नहीं पूछेंगे। हेल्दी चीज खाने के लिए हम डॉक्टर से पूछेंगे। इसलिए ओके ने एक नई थीम पर भी काम शुरू किया, आपको भोजन के रूप में, यानी आप जो चीज खाते हो ऑलरेडी लेते हो
उसमें सप्लीमेंट देना, यानी चाय में सप्लीमेंट देना, कॉफी में सप्लीमेंट देना, हनी में सप्लीमेंट देना, जूस में सप्लीमेंट देना, यानी साइको आपको लगेगा, साइको इफेक्ट क्या होगा, आपके दिमाग को क्या लगेगा, आपके ब्रेन को क्या लगेगा कि भाई मैं हनी ले रहा हूं, बट एक्चुअल में उसके अंदर इन्फ्यूज क्या है, KSM-66 अश्वगंधा। पहली बात तो हनी इतना प्योर है कि किसी भी पैमाने पे आप इसे नाप लीजिए, इट्स प्योर हनी, नेचुरल हनी। और इस हनी के अंदर इन्होंने क्या डाला, KSM-66, जो अपने आप में वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है। यानी एक डब्बा अगर कोई हनी ही खाए तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी हो चुकी है। और इसकी जो MRP है 1440 रुपए की है, और इसकी जो DP है वो 1000 रुपए की है, राइट? तो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलने वाला है गुडनेस ऑफ अश्वगंधा, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, राइट? उसी में सिर्फ हमने KSM-66 तक अपनी कहानी को सीमित नहीं रखा, हम KSM-66 के साथ आपके लिए लाए जिनसिंग हनी, इन्फ्यूज विद जिनसिंग, यानी प्योर हनी के अंदर जिनसिंग। अब जिनसिंग भी बहुत सारे लोगों को, जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग स्पोर्ट्स में, दे नो वेरी वेल कि जिनसिंग अपने आप में एक ऐसा हर्ब है जो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी बूस्ट करता है, नेचुरल एनर्जी बूस्ट करता है। अगर मतलब एक एग्जांपल, आप 5 से 7 घंटा बहुत इजीली काम करते हो तो पता चलेगा आप जिनसिंग लेने के बाद में 8 घंटा उसी सेम एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, यानी आपका ना माइंड थकता है ना आपकी बॉडी थकती है, यानी आपका स्टैमिना, आपका वर्किंग आवर बढ़ा देता है जिनसिंग। तो जिनसिंग रिच कर रखा है इसके अंदर, जो क्या करेगा, आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके अलावा आपको विटामिन की गुडनेस देकर एनर्जी बूस्टिंग में ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगेन 1440 रुपए में आप लोगों के लिए बहुत शानदार हाई हनी का जिनसिंग इन्फ्यूज्ड हनी। और इसमें एक और हनी है, जो हनी है आपका क्रुकमीन, ध्यान देना क्रुकमीन। ये क्रुकमीन C3 जो होती है हमारी, मैं अगर बात करूं तो आप डालना क्रुकमीन की जो टैबलेट है C3 जो है, कुछ कंपनियां 1200-1300 रुपए का सिर्फ इसे क्रुकमीन को अलग से सेल आउट करती हैं। आप ये सोचो 1300-1400 रुपए में हनी भी मिल गई, हमें अगर अश्वगंधा वाला ले रहे हैं तो हमें अश्वगंधा मिल जाएगा, जिनसिंग वाला ले रहे हैं तो जिनसिंग मिल जाएगी, और अगर हम क्रुकमीन वाला ले रहे हैं तो हमें क्रुकमीन वाली हनी भी मिल जाएगी, जो अगेन आपका क्या है, इन्फ्यूज विद बायो एक्टिव UC3 क्लियर क्रुकमिन ड्राइव्ड फॉर टर्मरिक, एड अ टेबल स्पून ऑफ दिस प्रोडक्ट इन अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। मतलब लेने का तरीका बताया हुआ है कि गुनगुने पानी में सुबह आप एक चम्मच अगर आप इसे लेंगे तो क्रुकमिन की गुडनेस आपको मिलेगी, साथ में हनी का टेस्ट, और इससे बेस्ट एंटी इंफ्लामेंट्री कोई प्रोडक्ट नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ गाइस, प्रोडक्ट लेकर देखना, और टेस्ट तो इसका ग्रेट होने ही वाला है। तो अगेन ये 1440 रुपए का है, आज ही अभी ऑर्डर करें हनी के साथ में सप्लीमेंट, दैट्स कॉल एडवांस न्यूट्रिशन, दैट्स कॉल की आज के समय का अपडेटेड न्यूट्रिशन, ऐसे ही थोड़े बोलते हैं एक कदम आगे हैं हम। तो हनी के अंदर सप्लीमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया, और ऐसे बहुत सारी जूसेस भी आ रहे हैं टेट्रा पैक के अंदर, जैसे आपने माजा या फ्रूटी या इस तरीके से रियल आपने जूस लिए होंगे टेट्रा पैक के अंदर, ऐसे 200 ml के टेट्रा पैक में आपको विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके के आपको टेट्रा पैक में जूसेस मिलने वाले हैं। तो मतलब आप सोचो माइंड ब्लोइंग, मजा आने वाला है। अभी बात करेंगे फीमेल हेल्थ के लिए, जैसे मैं बात करूंगी इंटीमेट वॉश की, बहुत सारी फीमेल आज की डेट में बाहर टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, इवन इवन घर के भी टॉयलेट को इस्तेमाल करते समय आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। pH लेवल 3.5 है, तो किसी भी तरीके का इचिंग, राइट, ऐसी जो समस्या आती है वो नहीं होती है। तो आफ्टर जो है आप किसी भी तरीके से जब आप अपनी हाइजीन कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन कर रहे हैं, तो उस समय बहुत इजीली इसे आप यूज करते कर सकती हैं और अपने आप को हाइजीन रख सकती हैं और हेल्दी रह सकती हैं, इचिंग और ऐसी कई समस्याओं से आप इरिटेशन से बच सकती हैं। तो फीमेल आपको बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को जो है डिनाई नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को लो, इस्तेमाल करो, उसके बाद समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। ओके, इट्स लाइक अ प्री वॉश, राइट? तो जो प्री वॉश इस्तेमाल करते हैं तो उस तरीके का ये प्रोडक्ट है। नाउ द पार्ट इज, यस ऑफ कोर्स दिस वन, हैप्पी लेडी, हैप्पी लेडी ये प्रोडक्ट आया है एनियन स्ट्रिप के साथ में, इसके अंदर एनियन स्ट्रिप है जो क्या करेगा, एक्स्ट्रा हाइजीन रखेगा आपको, एक्स्ट्रा हाइजीन रखेगा, डबल XL साइज में है, 7 सैनिटरी नैपकिन है इसके अंदर, और
इसको बोलेंगे दो तरीके के आते हैं, एक होता है मैक्सी, मैक्सी मतलब मोटा, तो वो स्किन को इरिटेट करता है, और एक आता है अल्ट्रा थिन। ध्यान देना, मार्केट में मैक्सी बिकते हैं ज्यादा, अल्ट्रा थिन ऐसा नहीं कि नहीं बिकते, तो अल्ट्रा थिन भी है मार्केट के अंदर। तो अल्ट्रा थिन जब आप लेंगे तो अल्ट्रा थिन का जो प्राइस, हमारे प्राइस से कंपैरिजन करेंगे तो आप हमारे वाले को बहुत बेहतर और बहुत बहुत शानदार पाएंगे। तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि कॉटन का है, सॉफ्ट है, जेल टेक्नोलॉजी, वो भी सेप्ट जेल टेक्नोलॉजी, जो जापान की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो जापान टेक्नोलॉजी के साथ जेल टेक्नोलॉजी और कॉटन का, इसके अलावा एनियन स्ट्रिप इसके अंदर है, डबल एक्सएल साइज, 7 सेनेटरी पैड, और इसका एमआरपी आई थिंक दिस वन इज 70 आई थिंक, या 70, दिस वन इज 70 रुपीज एमआरपी। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट है आप सब लोगों के लिए। इसके अलावा मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगी स्वीट ब्लीज की रेंज, माय डियर फ्रेंड। स्वीट ब्लीज, मैं सीधी बात करूं तो 1000 डोज केमिकल फ्री। मैं रिपीट कर रही हूं, अपने वर्ड को ध्यान देना। आपके आसपास जितने पार्लर हैं, आपके आसपास जितने सैलून हैं, वहां जाओ और बात करो अपनी स्वीट ब्लीज को लेकर। अपने जो पर्स, हमारा बैटर यू का जो बॉडी बटर, बॉडी वॉश, बॉडी हेयर वॉश, हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क लो और बैठो, सैलून वालों के साथ बैठो, पार्लर वालों के साथ बैठो और बात करो। सीधे बोलो 1000 डोज केमिकल फ्री, SLS फ्री, पैराबीन फ्री एंड पैटा अप्रूव्ड, ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, जिसमें स्क्रब तुरंत उनके हाथ पर टच कराकर फील कराकर दिखाओ, तुरंत उसके ऊपर बीबी क्रीम, इंस्टेंट मैट, 5 in 1 स्मूथ एंड स्किन फिनी परफेक्ट बीबी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सीधे स्क्रब के बाद अगर बीबी क्रीम लगाओगे और दोनों हाथ में डिफरेंस दिखाओगे, तो बहुत ही मिरेकल डिफरेंस दिखता है, मिरेकल हैंड टू हैंड। सामने वाला बोला, अरे यार क्या बात है, राइट? तो इसके साथ आप काम कर सकते हो। इसके अलावा पूरी फेशियल किट आप प्रमोट कर सकते हो, जैसे अपना स्क्रब, मड मास्क और लाइटनिंग क्रीम। ये तीन चीज लगाकर, ध्यान देना, ये तीन चीज लगाकर आप पूरा फेशियल किट उनका कंप्लीट कर देते हो। इसके अलावा मैं हेयर की बात करूं, हेयर ट्रीटमेंट में लेके, तो हेयर वॉश, इसके अलावा आपका कंडीशनर एंड हेयर मास्क। ध्यान देना, ये आ गया आपका फेस स्क्रब। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो चारकोल मास्क दो, और बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो मड मास्क दो। अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो स्लीपिंग मास्क लगवाना है, ध्यान देना। अगर स्किन सेंसिटिव है तो कौन सा मास्क लगवाना है स्क्रब के बाद? स्लीपिंग मास्क, ओके? इसके अलावा उस लास्ट में फिर आप लाइटनिंग क्रीम लगाकर उसको फेशियल को कंप्लीट कर दोगे, और बीबी क्रीम लगा के फिर काजल, लाइनर, लिपस्टिक लगाएं, पूरा मेकअप कंप्लीट, और बहुत ही रेडिएंट स्किन दिखती है, बहुत ही ग्लोइंग स्किन दिखती है, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा दिखता है, स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है, ओके? तो ये हो गया अगेन 1000 डोज केमिकल फ्री, पैटा अप्रूव्ड, SLS फ्री, पैराबीन फ्री। सनस्क्रीन है इसमें अगेन SPF 40 के साथ, जो बना है आपका मार्शमेलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट से। मैं अगर बात करूं आपकी चारकोल पील ऑफ मास्क, ये बना है बैम्बो चारकोल से बना हुआ है आपका। मैं बात करूं स्लीपिंग मास्क की, तो ये नेचुरल विटामिन, मिनरल्स एंड सीवीड्स का एक्सट्रैक्ट है, यानी प्योर नेचुरल फ्रूट्स, इन सब चीजों से बना हुआ प्रोडक्ट है। मैं स्क्रब की बात करूं तो प्योर पपाया पल्प से बना हुआ है। इसके अलावा जब आप रात में, अब रात में हम सोने जा रहे हैं, राइट? अब उस समय स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो दो प्रोडक्ट है आपके लिए जो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप फेशियल फॉर्म, जो इनरिच्ड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ मिक्स्ड बेरीज है, तो फेशियल फॉर्म से आप अपने चेहरे को क्लीन कर लो, यानी धो लो। फॉर्म निकलती है इसके अंदर, फॉर्म का वो होता है, मैं थोड़ा सा दिखाती भी हूँ आपको, इस टाइप से फॉर्म निकलती है, राइट? तो इस फॉर्म को फिर आप अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके पूरे स्किन को आप वॉश आउट कर दीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करिए मिसरल वाटर। मिसरल वाटर की मैं बात करूं तो ये ग्रीन टी, ध्यान देना, और T3 एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। तो इसे अपने चेहरे पर इस तरीके से, ये स्प्रे होता है, अपने चेहरे पर पूरा स्प्रे कर लीजिए और फिर कॉटन से वाइप कर लीजिए। ध्यान देना, स्किन पर स्प्रे करके फिर कॉटन से क्या करना है, वाइप कर लेना है पूरा। अब ये क्या करेगा, आपके स्किन से जितनी भी डर्ट है, जितने भी ऑयल बचा है, जो आपकी स्किन सेल्स में जितने भी जो ऑयल हैं या ऑयल के पार्टिकल्स रह चुके हैं, इफेक्टिवली पूरी स्किन को एक क्विक जो वो करेंगे आप, कॉटन को जब चेहरे पे लगाएंगे
तुरंत ये साफ कर देगा। इसके अलावा ये आपकी पूरी स्किन का डर्ट रिमूव कर देगा, फोर्स में जो ऑयल है, फोर्सेस के अंदर जो ऑयल है उन ऑयल को क्लीन कर देगा, और साथ में नेचुरल मॉइस्चराइज जो ग्रीन टी या T3 एक्सट्रैक्ट लीव से है वो आपकी स्किन को प्रोवाइड प्रोवाइड कराएगा, साथ में हाइड्रेट करेगा, स्किन में जो इरिटेशन होता है, रेडनेस हो जाती है, उन सब चीजों को खत्म करेगा और इतनी क्लीन स्किन आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको प्यार हो जाएगा। आप यूज करके देखो एक बार, राइट। मल्टी फंक्शनल ऑयल, सॉरी मल्टी फंक्शनल ऑयल द सेकेंड वन, दिस वन इज मिसरल वाटर। मिसरल वाटर आफ्टर फेस वॉश, इसे रात में अपने चेहरे पर स्प्रे करके आपने कॉटन से साफ कर लेना है। अगर आप बहुत ही अच्छे से अपने चेहरे को रात में क्लीन करके सोना चाहते हो तो, और रात में क्लीन करके ही चेहरा सोना चाहिए ताकि स्किन अपना जो नेचुरल जो उसके जो फोर्सेस हैं वो हमारी ओपन हो और वो अपने अच्छे से सांस ले, रिलैक्स कर पाए। मेकअप लगा के कभी नहीं सोना है, राइट। इसमें क्या होगा, आपकी स्किन ना जल्दी से डेड होगी, मतलब स्किन ज्यादा लॉन्ग टर्म तक उस तरीके से ग्लो नहीं करेगी जैसा उसको ग्लो करना है, यानी नेचुरल ग्लो नहीं करेगी। मैं बात करूं वहीं पर रोज वाटर की, तो जैसे कई बार दाना निकल आता है, राइट, कई बार उस दाने को क्या करो, कॉटन लो, कॉटन पे अपना रोज वाटर डालो, और अच्छा नॉर्मल रोज वाटर नहीं है, ब्रिटिश रोज वाटर है ये, तो आपने कॉटन पे लेकर उसको थोड़ा सा अप्लाई करके थोड़ी देर तक छोड़ दो। उसके बाद आप देखोगे कि सुबह तक जो दाना है वो बैठ चुका होगा, सुबह तक दाना बैठ चुका होगा आपका, मतलब आप इसको जेंटली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। स्किन पे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अब जैसे मल्टी फंक्शनल सॉरी मिसरल वाटर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं, क्योंकि भाई मिसरल वाटर की जो कॉस्ट है वो पड़ता है, हालांकि आपके स्किन से कॉस्टली कुछ भी नहीं है, 255 रुपए का, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अगर 255 रुपए नहीं खर्च कर सकते तो लोग क्या करते हैं, रोज वाटर से काम चलाते हैं। अच्छा रोज वाटर में भी नॉर्मल नहीं, ब्रिटिश रोज वाटर है, और ये लगभग 80 रुपए आई थिंक एमआरपी इसकी, एमआरपी एमआरपी आई थिंक 75 के आसपास का है। तो अगेन कॉटन से लेके इससे भी आप अपने स्किन को जो है साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो रात में या तो रोज वाटर से स्किन को क्लियर करना है आफ्टर फेस वॉश, या फिर आपको किससे साफ करना है, मिसरल वाटर से, मतलब दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें, और उसके बाद खुद 3-4 दिन में अपनी स्किन को महसूस करें कि स्किन कितनी अच्छी और ग्लोइंग हो रही है, राइट। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल ऑयल, आप सब लोगों ने सुना होगा कि ऐसा ऑयल जैसे अपन नहाए तो नहाने के बाद में पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर लिया या बालों पे भी इस्तेमाल कर लिया, तो मल्टी फंक्शनल ऑयल जो हमारा इनरिच विद एवोकाडो और पैशन फ्रूट से बना हुआ है, अब जैसे अभी कई बार बॉडी पे भी अप्लाई करते हैं लोग लोशन की जगह ना, तो ये बड़ी अच्छी खुशबू देता है, बहुत प्यारी खुशबू देता है। मल्टी फंक्शनल ऑयल को आप एक बार इस्तेमाल करना, आपको मजा आ जाएगा, है ना। किसी को जैसे कई बार फंगल है तो ये एंटी फंगल है, इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल है, और हर स्किन के लिए सुटेबल है, तो आप बहुत अच्छा अपना स्किन चाहते हो, स्किन इरिटेशन है या स्किन में किसी तरीके से इन्फ्लामेशन है, तो मल्टी फंक्शनल ऑयल मतलब आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो मल्टी फंक्शनल ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑल ओवर बॉडी पर इस्तेमाल होती है। ठीक है कि जो आई है, जो अभी पहली बात तो बताऊँ इसकी पैकिंग, इट्स पर्ल, पर्ल जो पर्ल का कलर होता है, मोती का जो कलर होता है उसकी ये पैकिंग है। पहली बात तो ये पर्ल वाली जो पैकिंग है ये आपको कहीं और किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलने वाली, ओके। तो जो हमारा बॉडी बटर है ये पैराबीन फ्री मॉइस्चराइजर है, जो आपका आपको हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, नेचुरल ग्लो देगा। क्यों? क्योंकि आलमंड ऑयल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कोका बटर और शिया बटर से बना हुआ ये एडवांस बॉडी बटर है, जो आपको पूरे दिन आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, राइट। दिस वन इज बॉडी बटर। तो अपना हाथ में हमने थोड़ा सा लिया, ये मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरे ये पर्स में रहता है हमेशा, और अभी अमूमन हम सैनिटाइजर या कई बार हाथ बार बार धो रहे हैं तो अपना हाथ में लिया, और ये मतलब हाँ बहुत बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, ओके। मैं बात करूं यहाँ पर बॉडी वॉश, अगर आपको शाही स्नान फील करना है, वो राजा महाराजाओं वाला स्नान फील करना है, तो बॉडी वॉश से नहाकर देखो कितना मजा आने वाला है। हालांकि मैं बता देती हूँ उसकी बेनिफिट, इनरिच्ड विद एक्सक्लूसिव मॉइस्चर लॉक सिस्टम है इसके अंदर, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिंजर T3 ऐसे ऑयल जो स्किन इलासिटी को बढ़ाते हैं। स्किन इलासिटी मतलब समझते हो, मतलब स्किन का एक रबड़ समझो, एक रबड़ को जब आप बार 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 खींचोगे तो क्या होता है, एक समय बाद उसकी इलासिटी कम हो जाती है, राइट। नया नया होगा तो जैसे ही आपने खींचा तुरंत अपनी रीशेप में आ जाएगा, ठीक है, फिर तुरंत खींचा रीशेप में आ जाएगा, लेकिन लगातार खींचने के कारण वो दोबारा से पुरानी वाली रीशेप ले ही नहीं पाता,
गॉट माई पॉइंट और नॉट? ऐसी स्किन होती है, अभी जैसे मैंने स्किन को खींचा छोड़ा तुरंत वहां पहुंच, खींचा छोड़ा तुरंत यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब हमारे घर में दादी नानी को आपने देखा होगा, उनकी स्किन पकड़ के खींचो वापस जाने में बहुत वक्त ले लेती है। इसे बोलते हैं स्किन इलास्टिसिटी, राइट? तो ये स्किन इलास्टिसिटी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं अगर आप इस तरीके के बॉडी वॉश को इस्तेमाल करते हो। जबकि साबुन को करोगे तो लंबे समय तक स्किन इलास्टिसिटी अच्छी नहीं रहेगी, ये नेचुरल होती है, परमात्मा बनाता है इसको, राइट? अगर आप इसमें अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन इलास्टिसिटी जल्दी और ज्यादा दिनों तक बेहतर रहेगी। तो आपका क्या यूज किया इसको, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए? जिंजर, टी थ्री एक्सट्रैक्ट और इस तरीके के कई ऑयल, राइट? इसके अलावा ये पैराबिन फ्री है, यानी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है और आपके पूरी ऑल ओवर बॉडी को बहुत ही जेंटली प्योरीफाई करता है और हाइड्रेट करता है। पूरे दिन बॉडी को सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है। इसके अलावा स्किन को सपल बनाता है, टचेबल बनाता है ऑल ओवर द डे। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत सूथिंग है, पूरी बॉडी को रिफ्रेश रखता है पूरे दिन के लिए। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका। तो बॉडी वॉश से नहाकर देखो, आपको खुद फील आएगा कि यार हमारी बॉडी है तो कम से कम इसको सही चीज से नहाए, राइट? बाकी तो साबुन तो है ही, साबुन कौन सा बुरा होता है, उससे भी नहाते रहो। एंड आफ्टर जब आप इसे इस्तेमाल कर ले, बॉडी वॉश को इस्तेमाल कर ले, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है बॉडी बटर। बॉडी बटर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ध्यान देना, बॉडी बटर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दिस वन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ उसके बारे में। तो बॉडी बटर उसके बाद लगा ले आप, तो मतलब उसके बाद आपको खुद फील होगा कि ये स्किन आप ही की है ना, ये स्किन बहुत अच्छी लग रही है आपको खुद ना, आपके हाथ पैर आप देखो बहुत टचेबल, बहुत ही स्मूथर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट भी अभी लास्ट ईयर परचेज किए थे मैंने द बॉडी शॉप के। मैं किसी भी कंपनी को लेके कुछ नहीं बोलना चाह रही, बट मैं कह रही हूँ पर्सन टू पर्सन कई बार हो सकता है ये सूट करता हो। तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ना आपके कर्ली हैं, तो कर्ली बालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना जल्दी से उलझ जाते हैं, और जब वो उलझ जाते हैं तो हमें खुद हमारे बाल को सुलझाने में ना आफत लगती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, बाल टूटते हैं। तो मैंने सोचा इंटरनेशनल वाला इस्तेमाल करेंगे ना, वो 650 रुपए, 650 रुपए के छोटे छोटे डब्बे थे, इतने छोटे छोटे डब्बे, मतलब मेरी स्किन मतलब बाल जो है ना मेरे बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँ सेम वैसा ही हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने अपने बालों में बन बना के रखने लगी थी, रेगुलर बेसिस पे बन। अभी बीच में आपने कई बार देखा होगा मैंने अपने बालों को ओपन रखा, पता है कारण क्या? डेमो कर रही थी, हेयर वॉश, हेयर कंडीशनर एंड द वन प्रोडक्ट मोर इज हेयर मास्क, वन मोर प्रोडक्ट इज हेयर मास्क। मैंने तीन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया अपने साथ में, और उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ओपन बालों के साथ भी अपने उंगली ऐसे डाली थी तो बाल, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मेरी टीम ने महसूस किया होगा, जो लोग मेरी टीम से हैं वो लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे, मैंने उनके सामने करके दिखाया ये कि अभी देखो मैं उंगली डालू ना तो भी बाल जो है अच्छे से निकल जा रही है उंगली बाहर, अदरवाइज उलझ जाते थे बाल, हेयर फॉल होता था ज्यादा। क्यों पता है? हेयर वॉश आपका पैराबीन फॉर्मूला है हमारा, ये पहली बात तो हेयर वॉश बेनिफिट बता रही हूँ, आप पूरे बालों को एक जो एक्चुअल में नरिशमेंट चाहिए, ध्यान देना, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है। आपके बालों की वॉल्यूम को ये बढ़ाएगा, ध्यान देना, वॉल्यूम बढ़ाएगा, बालों को बाउंसी लुक देगा। उसके अलावा जितने भी डैमेज बाल हैं उसे ये रिपेयर कर देगा, धीरे धीरे बालों को जो नेचुरल स्ट्रेट होता है ना, तो जो बाल आपके डैमेज हो चुके हैं उन डैमेज बाल को रिपेयर करना, राइट? हार्श केमिकल लगाते हैं ना हम लोग, कभी स्मूथिंग कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी हाइलाइटिंग कराते हैं, तो इसमें बाल बहुत डैमेज होते हैं, तो उन डैमेज बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। और इट इज अ पावरफुल हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर रिपेयरिंग फॉर्मूला दैट्स गिव यू अ टैंगल फ्री एंड फ्रीज फ्री हेयर्स। तो जितने लोग यहाँ पर अपने बालों को प्यार करते हैं ना, मैं कहूंगी आप हेयर वॉश को इनकार ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, एक बार करके देख लो, आप फैन हो जाओगे, आप मार्केट के दूसरे हेयर वॉश पे हाथ नहीं रख पाओगे, मैं गारंटी बोल रही हूँ आपको। एंड आफ्टर दैट आप इस्तेमाल करो कंडीशनर को, आप कंडीशनर क्या करेगा, कंडीशनर आपके हेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ध्यान देना, और सॉफ्ट बनाएगा और शाइनी बनाएगा, राइट? क्योंकि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर साथ में कुछ ऑयल लेवेंडर ऑयल मेक्स हेयर हेल्दी एंड रिड्यूस हेयर फॉल इफेक्टिवली, ध्यान देना। तो मैं आपको बोलूंगी हेयर वॉश एंड हेयर कंडीशनर इस्तेमाल करके देख तो लो, देख तो लो, फैन नहीं हो गए ना फिर बताना। और हफ्ते में जब, जैसे मान लो एक एग्जांपल, हफ्ते में 3 बार आप बाल वॉश कर रहे हो,
तो लगभग तीनों बार आपने हेयर वॉश, हेयर कंडीशनर, हेयर वॉश, हेयर कंडीशनर, उन तीन में से दो बार हेयर कंडीशनर करने के साथ एक बार कर लो हेयर मास्क। हेयर मास्क क्या करेगा, जो स्प्लिट बाल भी होते हैं, दो मुहे बाल होते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा, जितनी महिलाएं जो अपने बाल को बड़ा करना चाहती है वो इस परेशानियों को बड़ा झेलती है। तो क्या करता है हेयर मास्क आपका, स्वीट बीज हेयर मास्क मेड विद इन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ कोकोनट एंड बनाना एक्सट्रैक्ट। ध्यान देना, कोकोनट और बनाना एक्सट्रैक्ट का बना हुआ ये हेयर मास्क इज अ वेरी वर्सटाइल हेयर ट्रीटमेंट विच हैव टू रिपेयर, नरिश एंड हाइड्रेट हेयर, इट्स प्रिवेंट डेंड्रफ, कंट्रोल स्प्लिट एंड्स, स्ट्रेंथ फाइन हेयर एंड प्रमोट स्कैल्प हेल्थ, रिजल्टिंग इन डीप मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट हेयर विच इज साइन विद हेल्थ। लो ना, लगा के देखो, पता लगेगा। हमने जो अभी रेंज लॉन्च की है ना स्वीट ब्लीज की, हमने जो रिसेंट में रेंज लॉन्च की है ना बैटर यू की, इट्स अमेजिंग रेंज, माइंड ब्लोइंग रेंज, रिजल्ट ओरिएंटेड रेंज। लेकर देखो एक बार, समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं हम ओके हैं, हम एक कदम आगे, हम इस तरीके के प्रोडक्ट R&D में बनते। 99% इंडियन कंपनियों के पास अपनी खुद की R&D है ही नहीं। इस तरीके के प्रोडक्ट R&D से बनते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते अपने आप, राइट? इस तरीके के प्रोडक्ट R&D से बनते हैं, ये फेशियल फॉर्म की जो मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं बन जाते ये प्रोडक्ट, ओके? तो ये R&D के प्रोडक्ट है, ये पहली बार में ऐसी कंपनियां जो हनी के अंदर आप लोगों को सप्लीमेंट ला कर दे रहे हैं, राइट? ये R&D के प्रोडक्ट है, 99% कंपनी के पास R&D खुद की होती ही नहीं, राइट? और ऐसे अभी 7 तारीख को फिर कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाले हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड अगेन विश यू अ हैप्पी होली।